ಎಟಿಜೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. नमस्कार. आज की वीडियो है, कुछ पोल्ट्री किसान पोल्ट्री फार्म पे अच्छा प्रबंधन करते हैं, अच्छी फीड देते हैं, सब काम अच्छे होने के बावजूद भी उनके पोल्ट्री फार्म पे एफसीआर अच्छी नहीं आती, मृत्यु दर ज्यादा होती है. उसका कारण हो सकता है पानी का प्रबंधन. पोल्ट्री फार्म पे मात्र कुछ रुपए खर्च करके, जैसे ये पीएच मीटर पे या एसटीडीएस मीटर पे मात्र कुछ रुपए खर्च करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं इन छोटी छोटी दिक्कतों से परेशानी तो नहीं आ रही. इसके लिए आप तीन काम करिए. पहला काम, पोल्ट्री फार्म का जो पानी है उससे आप टेस्ट करा लीजिए. अगर उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम फालतू आता है तो समझ लीजिए पोल्ट्री फार्म का पानी कठोर है और ये पोल्ट्री फार्म के पाइपों को और पोल्ट्री फार्म के ड्रिंकर्स को बाधित करता रहेगा, जो आपको भी परेशान करेगा और पक्षी को भी. और अगर पोल्ट्री फार्म के पानी में आयरन, लोहा या मैग्नीज अधिक आता है तो समझ लीजिए पक्षी उस पानी को कम पीता है. पानी कम पीने की वजह से सर्दियों में गाउट और गर्मियों में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और एफसीआर बिल्कुल ठीक नहीं आती. इन समस्याओं के निराकरण के लिए आप पोल्ट्री फार्म के पानी में फिल्टर लगा सकते हैं. 40 से 50 माइक्रोन का फिल्टर बेहतर रहता है. आप पोल्ट्री फार्म के पानी में पीएच मीटर से पीएच चेक कर लीजिए. अगर ये पीएच 7 से ज्यादा आ रही है, अगर किसी विशेष परिस्थिति में ये 8 से भी ज्यादा हो जाती है तो समझ लीजिए पोल्ट्री फार्म पे बीमारियां बहुत ज्यादा आएंगी. वायरल और बैक्टीरियल डिजीज का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इसे कम करने के लिए आप पोल्ट्री फार्म के पानी में एसिडिफायर का उपयोग करें, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक. स्क्रीन पर एक आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है. इस तरह के मार्केट में सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, वो मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए नंबर पे फोन करके भी परचेज कर सकते हैं. पोल्ट्री फार्म पे टीडीएस मीटर से आप टीडीएस चेक कर लीजिए. अगर ये 1000 पीपीएम तक आता है तो ये बहुत बहुत बेहतर माना जाता है. लेकिन यही टीडीएस 1000 पीपीएम से 3000 पीपीएम तक भी आ जाए तो भी आप उस पानी में बिना किसी छेड़छाड़ के काम चला सकते हैं. लेकिन अगर टीडीएस 3000 से ऊपर चला जाता है तो वो पानी पोल्ट्री के पक्षी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता. इसके लिए आपको पोल्ट्री फार्म पे आरओ की व्यवस्था करनी पड़ सकती है. पोल्ट्री फार्म की जो पानी की टंकी है उसकी सफाई, पाइपलाइन की सफाई, ये अगली वीडियो में हम डाल देंगे. वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना. बहुत बहुत